गाइस, वेलकम टू माय चैनल निजी ट्रैवल व्लॉग। तो आज की वीडियो है काशी विश्वनाथ की, जिसे कहा जाता है बनारस। और हमारी ट्रेन है 6 बजे की और अभी हम निकल रहे हैं रूम से, तो मेरे साथ प्लीज बने रहिएगा। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत, जिसका टाइमिंग है 6 बजे का, जो 2 बजे हमें पहुँचा देगी। अभी हम पहुँच चुके हैं ट्रेन में और बैठ भी चुके हैं, हमें हमारी सीट मिल गई है। हमें मिला एक न्यूज़पेपर, तो मैं इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करूँगी अगर नींद नहीं आई तो। गाइस, हम फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं और मेरी फ्रेंड है हिमानी, इसको तो आप जानते ही होंगे, वृंदावन में भी थी और आज मेरे साथ काशी विश्वनाथ भी चल रही है। तो अभी हमारी ट्रेन चल रही है और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का व्यू। अभी हम पहुंचे हैं गदोरिया और हमने यहाँ रूम भी ले लिया है। तो सभी लोगों ने हमको बोला कि यहाँ रूम ले लो, क्योंकि यहाँ से मंदिर नज़दीक भी है और 80 घाट यहाँ से 3 किलोमीटर आगे। तो हमने 80 घाट रूम ले लिया और यहाँ पे रूम ले लिया हमने, ताकि हमें सुबह आसान पड़े मंदिर जाना। जाएंगे हम शाम को 80 घाट, तो मैं आपको वहाँ का सीन दिखाऊँगी। और अभी हम खाना खाने भी जाएंगे। तो गाइस, ये जो रूम है वो है 1500 रुपये का, और सही भी है क्योंकि तुम्हें यहाँ इतने का मिलेगा और सब आधे से ज़्यादा होटल बुक थे, तो मिलना मुश्किल भी हो रही थी, तो सब बढ़िया है। गाइस, अभी हम हैं गदौलिया रामापुरा के और ये है मार्केट। हाँ यार, मैं नाम भूल जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं 80 घाट और वहाँ के लिए हम ऑटो देखने जा रहे हैं। तो अभी हमने रिक्शा ले लिया है 80 घाट के लिए, क्योंकि वो बहुत आगे मिल रहा था हमें ऑटो, तो हमने रिक्शा ले लिया है। और आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं इस समय, और यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम है रिक्शे में और ये मेरी फ्रेंड, और हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पुरानी गलियाँ दिख रही है हमें बहुत अच्छी अच्छी, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है यहाँ, सच में जरूर आइएगा। आप देख सकते हैं यह है 80 घाट और यहाँ पे हुई थी आरती। थोड़ा मैं लेट हो गया पर मैंने प्रसादी ले ली है और बहुत सुंदर है यहाँ पे। आप बोटिंग भी कर सकते हैं, आज नहीं कर रहे हम, कल करेंगे, तो मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगी। और यह है हम दोनों, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग, सुबह के बज चुके हैं 5 और आज जा रहे हैं हम गंगा स्नान के लिए। हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं और वहाँ हम स्नान करेंगे। और बहुत लोगों ने बोला कि आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि आज पूर्णमासी का दिन है, तो आज हम वहाँ जाएंगे नहाने के लिए। और अगर हो सके टाइम तो मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगी। तो आज हम वहीं स्नान करेंगे और उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। ये है काशी की गलियाँ और हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट नहाने के लिए, और काफ़ी सुंदर है यहाँ, और सुबह तो और सुंदर लग रहा है। और भक्तगढ़ जाते हुए, और अभी हम पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट। आप देख सकते हैं यह है, और जो बहुत सुंदर लग रहा है, और मेरी फ्रेंड आगे से जाते हुए। योगी कृष्ण के प्रति समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उनके योग। बिल्डिंग अलग, यह है दशाश्वमेध घाट। सुबह ये सुंदर लग रहा है। नहा के आ गए और जा रहे हैं अपने रूम में, ताकि वहाँ से नहा के फिर हम जाए मंदिर पे, और बहुत ठंडी लगती है। तो हम रेडी हो चुके हैं और हम
और मेरी दोस्त भी उड़ चुकी है, तो बताना प्लीज कि हम कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। हे गाइस, तो अभी हम ले रहे हैं शॉर्टकट रास्ता और मंदिर जा रहे हैं हम, काशी विश्वनाथ। और हम जा रहे हैं गलियों से जा रहे हैं गली से आधा किलोमीटर, हाँ आधा किलोमीटर है यहाँ से, और फिर उसके बाद जाएंगे हम भैरवनाथ मंदिर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये गली हमने पकड़ी है, और भी रास्ते हैं यहाँ के, पर हमने सोचा शॉर्ट रास्ते चलते हैं। हमने टीका भी लगा लिया है और मंदिर आने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ, बस बाहर से दिखा पाऊंगी क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है मोबाइल। रास्ता मंदिर का हमने ये भी ले रखा है, बेलपत्री। ये है मंदिर, आने वाले हैं हम मंदिर। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अभी रूम, और हमने दो मंदिरों के दर्शन किए। एक था काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ फोटो लेना मना था, तभी मैं आपको दिखा नहीं पाई, और दूसरा अन्नपूर्णा जहाँ सती जी का मतलब एक शक्तिपीठ है। तो हम दो मंदिरों के आए हैं, अभी जाएंगे काल भैरव मंदिर। तो हमने सोचा क्यों ना पहले आराम किया जाए, फिर उसके बाद जाएंगे। तो हमें एक घंटा लग गया था खड़े खड़े वहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबी भीड़ लगी थी। तो अभी हम आ चुके हैं रूम पे, फिर जाएंगे काल भैरव मंदिर। और ये सो के पूरा मतलब थक गई है बहुत ज़्यादा, कमर दर्द हो गई, पैर दर्द हो गए। ठीक है, हम काल भैरव मंदिर कब दिखाऊंगी।